ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय में थामी झाड़ू। केंद्रीय मंत्री ने पहली बार पब्लिक प्लेस पर लगाई झाड़ू। कांग्रेस का तंज, नौटंकी, फोटोबाजी ठीक नहीं। भोपाल में नाली के पानी से सब्जी धोने वाले पर FIR दर्ज। वीडियो वायरल होने के 5 घंटे के अंदर कलेक्टर ने की कार्रवाई। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बक्सवाहा के जंगल में खनन पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग, कलचुरी और चंदेल काल की मूर्तियां हो सकती है नष्ट। MP में कोरोना ने फिर डराया। 24 घंटे में 27 पॉजिटिव मिले, सबसे ज्यादा इंदौर में 9 केस मिले, भोपाल में 8 मरीज। MP में खाद के लिए किसान परेशान। विदिशा में जमीन का दस्तावेज लाइन में रखकर प्रदर्शन। मुरैना में कलेक्टर दफ्तर के बाहर हंगामा। सागर में हाईवे पर लगाया जाम। दिवाली से पहले 1 नवंबर को मिलेगा किसानों को तोहफा। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का करेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान। नेतृत्व परिवर्तन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की सहमति से हुआ मंत्रिमंडल का गठन, आलाकमान तय करेगा CM कौन रहेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत तेज, बीजेपी का सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप। धान खरीदी में देरी से छोटे किसानों को नुकसान। दांडी यात्रा कर कांकेर से रायपुर पहुंचे 2500 से ज्यादा आदिवासी। रायपुर में राज्यपाल से की मुलाकात। आदिवासियों ने राज्यपाल से शिकायत की, बोले हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। रायपुर में बीजेपी NGO प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मिशन 2023 की रणनीति पर हुई बैठक। प्रदेश की NGO के जरिए वोटों को साधने में जुटी बीजेपी। रेगांव में पुष्पेंद्र बागरी हुए बीजेपी में शामिल। गृह मंत्री ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने कराया भाजपा में शामिल। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी पर बोले VD शर्मा, अब करण मोरवाल कैसे बचता गया इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे बचता रहा इसकी जांच हो। महासमुंद में मिलावट को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का मिठाई दुकानों में छापा। फूड सेफ्टी का चलित मोबाइल लैब से की जा रही है जाँच। CM शिवराज का तूफानी चुनाव प्रचार। बागली में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए मांगा समर्थन। उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। खंडवा में कमलनाथ ने किया रैली। शिवराज सरकार पर बोला हमला। खंडवा में दिखा बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का अनोखा अंदाज। कांग्रेस नेताओं के पैर छूकर लिया जीत का आशीर्वाद। शाजापुर से रेप का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण, लंबे समय से चल रहा था फरार। MP हाईकोर्ट में 27% OBC आरक्षण पर हुई सुनवाई। 3 मामलों में बढ़े हुए आरक्षण पर रोक बरकरार। अखिल भारतीय OBC महासभा की याचिका खारिज। 8 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई। आदिवासी महोत्सव में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की टीम पहुंची रायपुर। 28 अक्टूबर से शुरू होगा आदिवासी नृत्य महोत्सव। भारत स्काउट्स और गाइड्स के MP राज्य आयुक्त के पद पर सुमित पचौरी को किया गया नियुक्त। इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची मावे की खेप। SDM ने पूरी खेप को किया जब्त। खाद्य विभाग की टीम कर रही है जाँच। सड़क हादसे में हुए शिक्षक की मौत के आरोप में 2 आदिवासी युवकों का नाम आने से विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने निकाला मौन जुलूस। ज्ञापन सौंपकर किया न्यायिक जांच की मांग। कलेक्टर की सुनवाई में पहुंची महिला ने सुनाई अपनी व्यथा। कलेक्टर ने पीड़िता के पति को इलाज के लिए भेजा जिला अस्पताल। जिला प्रशासन की तरफ से दिलवाई टिपिया साइकिल।
सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव ने कोरिया जिले का किया निरीक्षण। पुलिस लाइन के दरबार में कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत निराकरण के लिए निर्देश। बालोदा बाजार में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी ना करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बेमित्रा में गैंग बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा गया। 2,90,000 रुपए समेत 2 मोटरसाइकिल भी जब्त। महासमुंद में नकली सोना देने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। सस्ते सोने का लालच देकर ठगे थे 45,000 रुपए। मुरैना के चंबल नदी में पानी लेने गई किशोरी को खींच ले गया था मगरमच्छ। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला बच्ची का शव। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सहित स्थानीय गोताखोर चला रहे सर्च ऑपरेशन। रायगढ़ जिले के गौशाला पारा पुलिस लाइन के 4 मंजिला इमारत के दूसरे माले में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शिवपुरी जिले के कथामील के पास नाबालिग जोड़े के जहर खाने की खबर से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने डायल 100 में कॉल कर इलाज के लिए भेजा जिला चिकित्सालय। उमरिया जिले के ग्राम बलबई के खेत में 60 साल के अधेड़ की शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। भोपाल में स्कूल से निकले 10वीं कक्षा के 2 छात्रों पर 11 के छात्र ने किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हबीबगंज थाना क्षेत्र का है मामला। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक में झाड़ियों से भरी सड़क। आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। सरगुजा जिले के सीतापुर में पति ने अवैध संबंध के शक में किया था पत्नी की हत्या। हत्या के आरोपी पति को सीतापुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोरबा जिला में 3 साल की बच्ची की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 23 अक्टूबर को बच्ची की हत्या हुई थी। पाली थाना क्षेत्र का है मामला। मुरैना में चंबल नदी में पानी भरने गई युवती को मगरमच्छ ने पानी में खींचा। पुलिस की टीम लगातार कर रही है युवती की तलाश। बड़वानी में टायर दुकान में लगी भीषण आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में धमाका। आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। सेना के जवान बाल बाल बचे। ग्रेनेड आम लोगों के बीच फटा। हमले में 5 नागरिकों के घायल होने की खबर है। बांदीपोरा में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुंछ में जारी आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा एनकाउंटर। 16 दिनों से चल रही है आतंकियों की तलाश। पुंछ के इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इलाके के गांव से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। 2019 में पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 3 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे गृह मंत्री ने सोमवार की रात सीआरपीएफ कैंप में ही गुजारी। जवानों के साथ अमित शाह ने खाना खाया। अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनके हथियारों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों की वजह से ही देश के लोग अमन चैन से अपने घरों में सोते हैं। कपिल शर्मा शो पर राशि के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने किया दमदार डांस। सफेद रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं सोनाक्षी। टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन एक साथ आएंगे नजर। बड़े पर्दे पर बाप बेटे की भूमिका निभाएंगे। सीमा पावा की ये मर्द बेचारा 19 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म भीड़ में आएंगी नजर।
फिल्म अंतिम का ट्रेलर हुआ रिलीज, सलमान की दमदार फाइटिंग और आयुष शर्मा की भाईगिरी देखने को मिलेगी। धनश्री वर्मा ने किया चांद छिपा बादल के गाने पर डांस, फैंस ने की जमकर तारीफ, वीडियो वायरल। रूस में कोरोना ने फिर पसारे पैर, सरकार का आदेश, कैफे और अनावश्यक दुकान 7 नवंबर तक रहेंगी बंद। इंग्लैंड में दोनों खुराक ले चुके लोगों को सस्ती कोविड जांच की मिलेगी सुविधा, ब्रिटिश सरकार का आदेश। चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, राजधानी बीजिंग हुआ लॉक। बीजिंग में डेल्टा वेरिएंट के साथ दर्जन नए केस, कोविड हॉटस्पॉट बने इलाकों में लगा लॉकडाउन। पर्यटक स्थलों पर भी लगी पाबंदी, करीब 35,700 लोगों को घरों में ही रहने का के लिए कहा गया। एप्पल के विज्ञापन रोकने वाले फीचर से फेसबुक को हुए भारी नुकसान, फेसबुक का 80% ट्रैफिक कम हुआ। दीपावली से पहले सोने और चांदी के दामों में तेजी, सोने में 0.23% की बढ़ोतरी, वहीं चांदी में 0.18% का इजाफा। इंटरलॉकिंग खराब होने की वजह से भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन को रद्द किया, ये सिलसिला 28 अक्टूबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर से शुरू होगी 28 नई घरेलू उड़ान, नई उड़ान उदयपुर को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई से जोड़ेगी।